हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ। तो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर सा और काफ़ी अट्रैक्टिव सा एक डिज़ाइन हमने बनाकर दिया था जो हमारे कस्टमर के लिए दिया था। अब ये जो डिज़ाइन है, इसके जो है कलर कॉम्बिनेशन भी हमने बनाया था, वो कलर कॉम्बिनेशन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके बाद में इसका फ्रंट मेजरमेंट भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और इसका एक सुंदर सा और अट्रैक्टिव सा एक नक्शा हमारे पास आया था 3D फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए, वो नक्शा भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मतलब इस नक्शे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा डिज़ाइन जो है किस टाइप में लिया गया है और ये पूरा इसके रूम के साइजेस वगैरह क्या है। तो लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये पूरा डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ पर जो है पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा एक कॉलम यहाँ पर है और एक कॉलम जो है सेकंड वाला कॉलम जो है यहाँ पर है जो हैड किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वॉल टाइल्स लगाया है, यहाँ पर मेन डोर बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो और यहाँ पर एक विंडो बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक डोर बताया गया है। अब ये जो डोर है क्यू है, आपको प्लान में समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्रूथ का एक बॉक्स पैटर्न है, ये भी आपको क्यों है ये प्लान में ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा पैरापेट वॉल है, मतलब ये बालकनी का जो ऊपर का गैलरी का डिज़ाइन है, पोर्च का डिज़ाइन है, इसको जो है काफ़ी सुंदर सा और काफ़ी अट्रैक्टिव सा हमने बनाने की कोशिश की है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिज़ाइन में नॉमिनल चेंजेस किए गए हैं, मतलब यहाँ पर ये जो विंडो है यहीं पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, बाकी जो डिज़ाइन है लगभग सेम है। उसके बाद में फिर से आप देख सकते हैं, ये जो है कलर कॉम्बिनेशन में चेंज किया गया है, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव सा और काफ़ी सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। उसके बाद में फिर से आप देख सकते हैं, ये भी एक सुंदर सा और अट्रैक्टिव सा कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, इस टाइप में ये पूरे कलर कॉम्बिनेशन हमने दिए थे और ये डिज़ाइन हमने दिया था। अब इसका फ्रंट का मेजरमेंट जो है किस टाइप में होता है वो भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में इसका नक्शा जो है वो नक्शा भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टाइप में ये पूरे जो है मेजरमेंट दिए गए हैं, फ्रंट के मेजरमेंट दिए गए हैं, जो डिज़ाइन का पार्ट दिया गया है उसका विड्थ कितना है, उसका हाइट कितना है, ये जो है इस टाइप में हम मेजरमेंट देते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा एक सैम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इस टाइप में ये पूरे मेजरमेंट दिए जाते हैं ताकि जो आपके वर्कर है, जो मेसन है, जो मिस्त्री है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो है डिज़ाइन में कोई भी गलती ना करे। तो इस टाइप में ये पूरे हम मेजरमेंट भी देते हैं। अब इसका जो मैप हमारे पास आया था, नक्शा हमारे पास आया था, वो नक्शा किस टाइप में आया था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है नॉर्थ फेस में हाउस प्लान है। उसके बाद में ये जो नक्शा जो है आप देख सकते हैं, इस टाइप में ये पूरा नक्शा बनाया गया है। इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्थ फेस में रोड है, उसके बाद में यहाँ पर वरांडा बताया गया है। अब ये जो नक्शा जो है हमने नहीं बनाया था, हमारे पास कस्टमर का नक्शा आया था, लेकिन जिन्होंने भी यह नक्शा बनाया उनको हम क्रेडिट देते हैं, काफ़ी सुंदर सा और काफ़ी अट्रैक्टिव सा नक्शा उन्होंने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टेप यार्ड के इस वरांडे पर पहुँच रहे हो, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं इस हॉल में। इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटा सा पार्किंग के लिए एरिया दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हॉल का साइज़ है लगभग 16 फीट 6 इंच बाय 17 फीट 3 इंच का है, मतलब लगभग 16 फीट 6 इंच बाय 17 फीट 3 इंच का है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। और यहाँ पर हॉल का डाइनिंग भी दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक किचन और यहाँ पर एक छोटा सा पूजा रूम दिया है। पूजा रूम का साइज़ है 6 फीट बाय 5 फीट का है और उसके बाद में किचन का साइज़ है 10 फीट बाय 11 फीट का है, मतलब 10 फीट बाय 11 फीट का। किचन को विंडो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर स्टेयर के दिया गया है, यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है, उसके बाद में यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। तो इस स्टेयरकेस से बाहर भी निकल सकते हैं, यहाँ पर एक डोर बताया गया है, जैसे कि हमने 3D फ्रंट एलिवेशन में आपको बताया था यहाँ से डोर रहेगा, लेकिन ये स्टेप जो है हमको और भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये लैंडिंग जो हाइट जो है ऊपर चल जाएगी, तो इसके नीचे हमारा डोर आराम से बैठ सके। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाथरूम है, यहाँ पर एक टॉयलेट बताया गया है और यहाँ पर एक वॉश एरिया बताया गया है। बाथरूम का साइज़ है 4 फीट बाय 7 फीट का और टॉयलेट का 3 फीट बाय 4 फीट का। उसके बाद में पीछे एक साइड में 2 बेडरूम बताया गया है, जिसमें एक बेडरूम का साइज़ है 12 फीट बाय 11 फीट का, मतलब 12 फीट बाय 11 फीट का। और इसे 2 विंडोज़ बताया गया है यहाँ पे और यहाँ पे, और सेकंड वाला बेडरूम जो है इस साइड में आप देख सकते हैं, राइट साइड में 11 फीट बाय 12 फीट 3 इंच का इसका साइज़ बताया है। और इसे यहाँ पर एक वार्डरोब के लिए जगह बताया गया है। सेम जो है यहाँ पर जो बेडरूम है, इस बेडरूम में भी वार्डरोब के यहाँ पर जगह दिया गया है। तो ये नक्शा जिन्होंने भी बनाया हम उनको क्रेडिट देते हैं, काफ़ी सुंदर सा और काफ़ी अट्रैक्टिव सा नक्शा बनाया गया है। अब ये जो पूरा नक्शा बनाया गया है लगभग 30 फीट बाय 50 फीट के आसपास बनाया गया है, लेकिन आजू बाजू में उनकी जगह थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 26 फीट 10 इंच है लगभग यहाँ से इस कॉर्नर तक, उसके बाद में 45 फीट 7 इंच है इस कॉर्नर से लगभग इस कॉर्नर तक। तो आप देख सकते हैं, इस टाइप में ये पूरा नक्शा था और ये जो पूरा नक्शा जो है हमारे कस्टमर के लिए बनाया था, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही उनका नाम बताया था, जो है मिस्टर श्री पांडुरंग लोहार सर है, उनके लिए हम ये पूरा नक्शा बनाया था। तो आशा करता हूँ आज का ये टोटल जो है ये प्लान और ये जो डिज़ाइन है आपको पसंद आया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज़ आ सकती है उनके प्लान के लिए, उनके घर के लिए, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर से किसी को मदद हो, किसी को कुछ जानकारी मिले।
तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।